हेलो दोस्तों, अभी गणित का एक सवाल देखते हैं जो पेपर में पूछते हैं। 1/15, 1/35, 1/63, 1/99, 1/143 प्लस 1/95। इस क्वेश्चन का आंसर अपन दोस्तों 2 सेकंड में दे सकते हैं। देख कैसे, इसके दो फैक्टर गिराएंगे, कितना आएगा 3 × 5, इसका कितना आएगा फैक्टर 5 × 7, इसका कितना आएगा 7 × 9, इसका कितना आएगा 9 × 11, इसका कितना आएगा 11 × 13, और इसका कितना आएगा 13 × 5। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे कितने टर्म्स है काउंट करना है, कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितना टर्म आएगा 6, टोटल आया है 6 टर्म, 6 टर्म आया है, और यहाँ पे पहला नंबर और लास्ट नंबर का गुणा कर देंगे, तो पहला नंबर है मेरा 3 और लास्ट नंबर है 15, तो कितना आएगा गुणा 3 × 3, 3 × 2, 6, तो कितना आएगा 2 × 15, ये रहेगा दोस्तों मेरा आंसर पहले क्वेश्चन का। अब ये क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन कितना सिंपल है, 1, 2, 3, 4 टर्म है, तो चारों को ऐड कर देंगे ऊपर वाले, 1, 2, 3, 4 कितना आएगा 4 आएगा, इसके दो फैक्टर गिराएंगे कितना 1 × 3, ये कितना आएगा 3 × 5, इतना इसका कितना आएगा 5 × 7, इसका कितना आएगा 7 × 9। क्या करते हैं दोस्तों, पहला नंबर लेते हैं और आखिरी नंबर का गुणा करते हैं, तो कितना आएगा 4/9 दोस्तों मेरा आंसर हो जाएगा। सिमिलर वे ये क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा कितना भी नंबर आने दो, अभी यहाँ पे डॉट 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 है, कैसे करेंगे दोस्तों बताइए तो जरा, यहाँ पे टर्म काउंट करेंगे, गिन तो नहीं सकते कितने नंबर है। देखिए पहला नंबर है 1 से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद 2 है, 2 के बाद में 3 है, तो ऐसे 1 से लेके कहां तक के नंबर है, 999 तक के नंबर है, 999 तक के नंबर है, इसका मतलब टोटल नंबर कितने होंगे 999 होंगे, यानी ऐसे टर्म्स कितने होंगे 999 टर्म्स होंगे, तो 1 + 1 + 1 + 1 1 + 1 = 1, 1 + 1 = 1, 1 + 1 = 1, 1 + 1 = 1, 1 + 1 = 1, 1 + 1 = 1, 1 + 1 = 1, 1 + 1 = 1, 1 + 1 = 1, 1 + 1 = 1, 1 + 1 = 1, 1 + 1 = 1, 1 + 1 = 1, 1 + 1 = 1, 1 + 1 = 1, 1 + 1 = 1, 1 + 1 = 1, 1 + 1 = 1, 1 + 1 = 1, 1 + 1 = 1, 1 + 1 = 1, 1 + 1 = 1, 1 + 1 = 1, 1 + 1 = 1, 1 + 1 = 1, 1 + 1 = 1, 1 + 1 = 1, 1 + 1 = 1, 1 + 1 = 1, 1 + 1 = 1, 1 + 1 = 1, 1 + 1 = 1, 1 + 1 = 1, 1 + 1 = 1, 1 + 1 = 1,
पहन के आएगा दोस्तों, बराबर। और उसके बाद क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म लेते हैं, फर्स्ट टर्म लिया और लास्ट टर्म लेते हैं, उसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ये आएगा 1000। तो कितना आएगा इसका आंसर, 999/1000। कितना सिंपल था, बराबर की नहीं? समझ में आया? अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आपके पढ़ाई करने वाले दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।